21 मार्च 2024। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज फागुन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि है और आज दिन है गुरुवार। आज द्वादशी तिथि है और 1:27 तक अश्लेषा नक्षत्र है और उसके बाद मघा नक्षत्र पड़ जाएगा। किसी भी शुभ काम को करने के लिए आज का शुभ मुहूर्त है रात के 9:30 से लेकर रात के 10:30 तक। इस समय आप व्यापार और किसी भी कार्य से जुड़ा शुभ काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज का दैनिक राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि वालों, आज आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। करीबी दोस्तों की मदद से कुछ लाभ होने की संभावना है। आपको धन का भी लाभ होगा, लेकिन परेशानियां आपकी अभी दूर नहीं होंगी। कुछ न कुछ रुकावटें आपके काम में आती रहेंगी। आज आप महसूस करेंगे कि आपका प्रिय आपका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन बदले में आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें, नहीं तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। छात्रों के लिए यह दिन बहुत अच्छा होने वाला है। किसी सामाजिक समारोह में जा सकते हैं आप। वृषभ राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। आपको शाम तक कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पर जरूरत से ज्यादा खर्च आपको आज परेशानी में डाल सकता है। निवेश करने के लिए आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। किसी भी निवेश में आपको आज फायदा ही होगा। मिथुन राशि वालों, लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आज आपको आराम मिलेगा। जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश करें। आज आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे और बचत को लेकर बात कर सकते हैं। आज आप सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत दिनों से जिस काम को आप टाल रहे हैं उसे आज आप पूरा कर सकते हैं। आपको दोस्तों का और रिश्तेदारों का पूरा साथ मिलेगा। निवेश करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। छात्रों के लिए भी आज का दिन अच्छा है, मन लगाकर पढ़ाई करें। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। आज आप जिस भी चीज को खरीदेंगे वो चीज भविष्य में दुगनी हो जाएगी। आज आप चारों तरफ से धन और व्यापार में लाभ ही लाभ देखेंगे। कहीं ना कहीं से आपको दोस्तों की मदद मिलेगी, परिवार जनों का साथ मिलेगा, घर में एक खुशहाली का माहौल रहेगा। छात्रों के लिए भी आज पढ़ाई में मन लगाने का बहुत अच्छा दिन है। आपका ध्यान अपनी शिक्षा की तरफ केंद्रित होगा। आज प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपका और दिनों के मुकाबले बहुत दिनों के बाद आज अच्छा रहने वाला है। आज आप तनाव नहीं महसूस करेंगे, सेहत में भी थोड़ा सुधार आप महसूस कर सकते हैं। आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा और आपके कार्यस्थल पे भी लोग आपकी सराहना ही करेंगे। आपको कर्ज नहीं देना है किसी को, और अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो आज आप मांग सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए। कन्या राशि वालों, आज का दिन भी आपका तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन शाम तक आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल ही जाएगी। आज के दिन आपको आपके प्रेमी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। वो आपको आपके दुख दर्द को समझेगा और आपकी परेशानी दूर करेगा। तुला राशि वालों, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी बड़ी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। मकान और गाड़ी लेने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप किसी बड़ी चीज में निवेश भी कर सकते हैं। हाँ, परिवार में थोड़ा मन मुटाव हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सामाजिक मेल जोल से ज्यादा आप अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। आज आप शाम तक कोई बड़ी खुशखबरी पा सकते हैं और आज आप पारिवारिक किसी समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। व्यापार के लिए आज का दिन थोड़ा सुस्त है, थोड़ा इंतजार कर लें। धनु राशि वालों, आज आप जिंदा दिली और गर्मजोशी महसूस करेंगे। व्यापार में बहुत बड़ा लाभ होने के संकेत हैं। आज आपके पास कहीं से बहुत बड़ा पैसा आने के भी संकेत मिल रहे हैं। आपका प्रेमी भी आपसे बहुत खुश रहेगा। हाँ, आपकी सेहत में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, सेहत का ध्यान रखें। मकर राशि वालों, निवेश करने से पहले ये जान ले कि आप जहाँ निवेश कर रहे हैं वहाँ कहीं आपका पैसा फंस तो नहीं सकता। व्यापार में कुछ बड़ी परेशानी आ सकती है, सोच समझ कर फैसला ले। परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा और माहौल खुशनुमा रहेगा। प्रेमी जोड़ों में मन मुटाव हो सकता है और दूरी भी आ सकती है, तो ध्यान रखें। कुंभ राशि, आज आप पर
भगवान की कृपा ऐसी बनी रहेगी कि आपको आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होते हुए दिखेंगे। अपने प्रिय से भी आज आपको लाभ मिलने वाला है। मीन राशि वालों, आपने जो कर्ज उठा रखे हैं उसे चुकाने में आज आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन आपको धन आगमन के भी स्रोत मिलेंगे और आप आज उनसे कुछ लाभ भी कमा सकते हैं। आज आपको अपनी वाणी पर काबू भी रखना होगा।